हेलो दोस्तों, मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक में। फ्रेंड्स, बीपीएससी की पीटी की रिज़ल्ट जो है आ चुकी है। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी की जो पीटी की जो रिज़ल्ट आई है उसके बाद की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो भी विद्यार्थी इसमें सफल हुए, इस परीक्षा में सफल हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग असफल हुए हैं वो हताश और निराश नहीं हो दोस्तों, आप लोग बस प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलताएं ज़रूर जो है मिलेगी। तो इस लेक्चर में दोस्तों आज हम इसी बीपीएससी के पीटी की रिज़ल्ट पे, प्रीलिम्स की जो रिज़ल्ट आई है उस पर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कि 65वीं जो बीपीएससी की रिज़ल्ट जो आई है इसमें लगभग टोटल जो है आपको 257,247 विद्यार्थियों ने यानी उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन सफलता जो है आपको 6,517 विद्यार्थी को ही मिली है, यानी उन उम्मीदवारों को ही मिली है। लेकिन ये जो सफलताएं हैं ये कुछ नहीं है, इसके बाद जो है बहुत बड़ी जो है हमारे सामने जो है चैलेंजेज जो आएगी और वो मेंस के रूप में आएगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसके कटऑफ्स जो है क्या रहे हैं। यदि कटऑफ्स की यदि बात करें दोस्तों तो जिसे इसमें अनरिजर्व की बात कही गई है तो यानी जनरल कैटेगोरी में आपको इस बार का कटऑफ्स 97 रहा है और उसके बाद जो है फीमेल के लिए 91 रहे हैं। EWS में आपको 92, EWS में फीमेल के लिए 87 रहे हैं, तो वहीं SC के लिए 89 और SC फीमेल के लिए आपको 79 रहे, वहीं आपको ST के लिए 89 जो है और वहीं EBC के लिए 92 कटअप्स रहे हैं। EBC फीमेल के लिए 86 और BC के लिए 94 कटअप्स रहे हैं। इसके और भी कैटेगरी की यदि बात करें तो BC फीमेल के लिए 88 इस बार जो है कटअप्स तय किए गए हैं और BCL के लिए 86 और जितने भी फिजिकल जो डिजेबल्ड है उन लोगों के लिए 82, 81, 89 और आपको 53 जो है एक्स फ्रीडम फाइटर फैमिली मेंबर रहे हैं उनके लिए 88 जो है कटअप्स जो है निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस बार जो है ये जो पीटी की जो रिज़ल्ट आई है इसके फॉर्म, इसके मेंस के एग्ज़ाम आपको जून में हो जाएंगे और मेंस के एग्ज़ाम ही सबसे बड़े जो है आपको चैलेंज के रूप में सामने आएगी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जो GS के जो पेपर है, GS का पेपर 1 और उसके बाद जो है GS के पेपर 2 को और साथ में करेंट अफेयर्स जो है तो करेंट अफेयर्स को नज़रअंदाज आप लोग नहीं कीजिएगा और साथ में आपके जो अपने ऑप्शनल जो पेपर होंगे उसके पेपर 1 और पेपर 2 को काफ़ी बारीकी से आप लोग जो है रिविज़न कर लीजिए और साथ में जितनी ज़्यादा आप जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग की सफलता उतनी ही ज़्यादा जो है सुनिश्चित रहेगी और आप एक जो है सीट जो है सुनिश्चित कर पाइएगा। आप लोग एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें आप लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जितनी अच्छी आप लिंक स्थापित करके लिखिएगा और करेंट से जोड़कर उसे आप लिखिएगा तो आपकी आंसर राइटिंग उतनी बेहतर होगी और साथ में आपके मार्क्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्टेंड कर पाएंगे। तो लास्ट में दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से एक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो भी लोग सफल हुए हैं आने वाली जो भी मेंस की जो चुनौतियां हैं उसमें आप लोग आंसर राइटिंग में लग जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और जो लोग इसमें असफल रहे हैं तो दोस्तों आप लोग निराश नहीं होइए और नई जो आने वाली जो प्रिपरेशन में जुट जाइए, समय को व्यर्थ ना बर्बाद करें। तो तब तक के लिए संजीव को दीजिए इजाज़त, गुड बाय।